बात कर रहे हैं भाई, इतना खूबसूरत, इतना फोटोजेनिक, फुल्ली जॉ लाइन के साथ वाला चेहरा ऐसा नहीं कर सकता। नहीं लाला जी, नहीं 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 भाई, आपको कुछ गलतफहमी है। हम इस वक्त आपस में लड़के उस हमलावर को और ज्यादा ताकतवर कर रहे हैं। सही कह रही हैं, हमने उस हमलावर को और ताकतवर बना दिया है अपने घर पर इन्वाइट कर। क्या आप सबको भी ऐसा लगता है? नहीं लैला जी, अल्लाह नोज बेस्ट। अभी तक किसी ने भी अटैकर को देखा नहीं है, एंड अटैकर ने हम पे अटैक तभी किया जब हम सब अलग अलग थे। अब जब हम सब साथ हैं तो अटैकर आया ही नहीं, तो किसी के भी मन में आ सकता है ना कि शायद आप। देखिए, आप हमें पूरी बात बताइए, सच बताइए, नहीं तो हम सबको यही लगेगा कि आप ही अटैकर हैं। देखा,
मैंने कहा था ना हमला होने वाला है। कहा था ना हमला कोई और नहीं, आप खुद कर रही हैं। मैं यहाँ हमला करने नहीं, आप सबको बचाने आई। किससे? खुद से? नहीं। फिर किससे? पीछे देखिए। भाई भाई चल क्या रहा है ये? सीता, गीता, अंजू, मंजू, ये सुरभि, ये ज्योति, ये है कौन? मैं जाननी हूँ लैला की जुड़वा बहन और लाल चांद की मल्लिका। नहीं नहीं, आप लैला हैं, आप चांदनी क्यों बोल रही हैं? अच्छा ही हुआ तुम खुद इन सबके सामने आ गई, वरना हम किस मुंह से बताते कि हमला करने वाला कोई और नहीं मेरी अपनी जुड़वा बहन है। ये झूठ बोल रही है। ये पत्थर हमारे आने की खबर जरूर देते हैं, लेकिन हम अभी आए हैं, इससे पहले नहीं आए। लैला ने ये घर बंद करके रखा था और हमें अंदर नहीं आने दे रही। लेकिन आप एक बात बताइए, आप इतना डेस्परेटली अंदर क्यों आना चाहती थी? उससे मिलने के लिए? हम यहाँ आप सबको बचाने के लिए आना चाहते थे। यही है वो जो आप सबको पत्थर का बना रही है और इल्जाम मुझ पर लगा रही है। माफ कीजिए, मेरी बहन सिर्फ लाल चांद की ही नहीं, झूठों की भी मल्लिका है। झूठ तुम बोल रही हो। बड़ी बहन होने के नाते तुम्हें लगता है कि लाल चांद के तख्त पे तुम्हारा हक है, और जब तुमने अपनी जिद नहीं छोड़ी तुम्हें सुला दिया गया। लेकिन नींद से उठने के बाद भी तुमने वही किया। साजिशें, ने जिन्नात के बादशाह और अयाना के साथ मिलकर हमें बुरा साबित करने की कोशिश की, ताकि तुम लाल चांद की मल्लिका बन सको। लाल चांद की मल्लिका बनने का हक हमारा ही है। तुमने धोखा किया हमारे साथ, हमें धोखे से नींद में सुला दिया, और अब भी धोखा कर रही। इन दोनों के पीछे और इन घरवालों के पीछे आई ताकि तुम हम तक पहुंच सको। इसकी किसी बात पे यकीन मत करना, ये झूठ बोल रही। हम सच बोल रहे हैं, हम जो कह रहे हैं वो सच है।
हसीना। और तुम्हारे परिवार को सिर्फ इसी से खतरा है। अमन, इसका अब भी यहां रहना खतरे से खाली नहीं है। इसे जल्द से जल्द छुटकारा पाना होगा। को डूबते हुए तो हम हर सुबह देखते हैं, आज चांदनी को डूबते हुए देख के बहुत सुकून मिल रहा है। अब लाल चांद की मलिका हम बनेंगे, तुम और तुम्हारा वक्त दोनों खत्म। आप लोग सोच भी नहीं सकते अपनी ही बहन के साथ ऐसा करने में कितना दिल दुखता है। चांदनी, 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 रोशनी, 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 मैं यहाँ, बाहर निकालो। चांदनी, चांदनी, रोशनी, मैं यहाँ हूँ, मुझे बाहर निकालो। चांदनी, हमें तुम्हारी सच्चाई पता चल गई है, मैं तुम्हें बाहर निकालती हूँ, रुको।
रोशनी अब ठीक तो तुम ठीक हो? हमारी फैमिली लैला ने सबको फ्रीज कर दिया, प्लीज कुछ करिए उन्हें बचाइए प्लीज। चलिए मैं उन्हें नहीं बचा पाऊंगी रोशनी। पर क्यों? क्योंकि उन्हें बचाने के लिए हमें लैला को हराना होगा। अमन कहाँ है? लैला और कबीर ने अम्मी को किडनैप कर लिया था तो वो उन्हें बचाने गए। क्या मतलब? इस वक्त कबीर और अमन एक साथ हैं। जी यस, पर आप इतनी परेशान क्यों लग रही है?